हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसका सेट नंबर 2 है। और इससे पहले यहाँ पे पहला सेट जो है सेट नंबर 1 वो हमने कर लिया है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। और यहाँ पे जो सेट नंबर 2 है इसमें आगे के 25 क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टोटल 50 सेट हम डालने वाले हैं 25 दिन के अंदर, यानी कि एक दिन में कंप्यूटर के 2 सेट डाले जाएंगे और हर सेट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। तो देखो, पहला सेट है इसमें 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके और क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस है वो सेट नंबर 2 में मिलेंगे। और शाम को हम सेट नंबर 3 डालेंगे। तो अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, शाम को 5 बजे डाल देंगे सेट नंबर 3। तो वहाँ पे भी हम आगे के जो क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन नंबर 50 से आगे के 51 से लेकर 75 तक के वो उसमें होंगे। तो देखो, ये जो सीरीज है, ये जो सेट डालने वाले हैं 50 सेट 25 दिन के अंदर, इनको आपने कंप्लीट देख लिया तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे SSC का दो, बैंक का दो, चाहे रेलवे का दो, स्पेशली RRBJEE, इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो कोई सा भी एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चन हम लोग कवर कराएंगे, चाहे ईजी क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो चलो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, यहाँ पे हमसे पूछी गई है। अब यहाँ ऑप्शंस हमें देखने होंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना होगा, उसके बाद सारी डिटेल हम बताएंगे। तो देखो, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं निब्बल, बिट, बाइट और किलोबाइट। तो इनमें से अगर हम बात करें कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट की, तो ये होती है बिट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिट। अब यहाँ पे देखो, क्या ध्यान रहा आप लोगों को रखना है कि सबसे कंप्यूटर जो होता है इसकी सबसे छोटी यूनिट तो होती है बिट। सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट। और बिट से बड़ी कौन सी होती है? निब्बल होती है। निब्बल से बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट, और किलोबाइट्स है इससे बड़ी मेगाबाइट होती है, मेगाबाइट से बड़ी होती है गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी होती है टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ी होती है पेटाबाइट, इस तरह से करके होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए जाए और उनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी बाइट कौन सी होगी, तो आपको अगर ये सिक्वेंस याद है तो आप इजीली हर चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले रखी है। यहाँ पे देखो, बिट के बारे में मैंने बता रखा है कि बिट जो है वो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट। और इसकी दो अवस्थाएं होती है, चालू और बंद। चालू से हम क्या समझते हैं, यानी कि जो ऑन है, ऑन से हम समझते हैं वन। ऑन को किससे डिनोट किया? वन। और ऑफ की बात करें तो ऑफ को किससे डिनोट किया? जीरो। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शून्य का अर्थ क्या है, तो शून्य का अर्थ होता है ऑफ, ठीक है, कंप्यूटर में, और वन का मतलब होता है ऑन, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था बिट से बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है निब्बल। और निब्बल का आपको याद रखना है कि जो निब्बल है ये 4 बिट के समूह से मिलकर बनी होती है, 4 बिट से मिलकर बनी होती है। तो अगर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 4 बिट से मिलकर कौन सी यूनिट बनी है, तो आपको आंसर करना है निब्बल। और फिर निब्बल से बड़ी होती है बाइट, बाइट है ये 8 बिट से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से किलोबाइट की बात करें तो 1024 बाइट से मिलकर बनी होती है। अब देखो यहाँ पे इनकी बात करें, यहाँ से लेके किलोबाइट से लेकर पेटाबाइट तक की है, इनको याद करने का थोड़ा सा एक हल्का सा तरीका आपको बता देती हूँ, ताकि आपको आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाए। देखो, एक नंबर आपको याद रखना है, फिक्स आपको याद रखना है 1024, इसको तो एकदम फिक्स कर लो कि सब में आएगा ही आएगा, किलोबाइट से लेकर पेटाबाइट तक ये चीज, ये 1024 सब में आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोबाइट किसका बनता है, तो आपको क्या याद रखना है, 1024 है ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे जो यूनिट लगानी होगी वो क्या लगानी होगी, किलोबाइट से जस्ट छोटी वाली यूनिट है वो, तो किलोबाइट से जस्ट छोटी यूनिट कौन सी है? बाइट। तो यहाँ पे 1024 के साथ में बाइट लगा देना है। इसी तरह से अगर 1 मेगाबाइट का पूछा जाए तो आपको 1024 तो फिक्स है, तो यहाँ पे 1024 तो लिख देंगे अपन। अब यहाँ जो यूनिट लगानी पड़ेगी ये इससे मेगाबाइट से जस्ट छोटी वाली, तो मेगाबाइट से जस्ट छोटी कौन सी? किलोबाइट। तो यहाँ पे हमने लगा दिया किलोबाइट, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 गीगाबाइट का पूछा जाए
तो यहाँ पे 1024 तो फिक्स है जैसा कि मैंने बताया था। अब एक गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटी यूनिट क्या होती है? मेगाबाइट। तो यहाँ पे यूनिट हमने क्या लगा दी? मेगाबाइट। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि एक गीगाबाइट में एक गीगाबाइट है किससे मिलकर बनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनी होती है। एक गीगाबाइट है ये 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए एक टेराबाइट किससे मिलकर बनी होती है, तो एक टेराबाइट का पूछ लिया तो यहाँ पे 1024 तो फिक्स आपको रखना ही रखना है। अब यहाँ यूनिट जो लगानी है वो आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस जो मैंने बताया था अभी वो, कि टेराबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, तो टेराबाइट से छोटी यूनिट है गीगाबाइट। तो यहाँ पे हमने यूनिट रख दी गीगाबाइट। इस तरह से करके देखो आपको आसानी से ये चीजें है ये याद हो जाएंगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, सबसे बड़ी यूनिट पूछ सकते हैं, सबसे छोटी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए चीजें याद होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है, कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और बोला है कि सबसे बड़ी यूनिट आपको बतानी है, सबसे बड़ी यूनिट बतानी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मेगाबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट है इन तीनों में से गीगाबाइट। लेकिन अगर आपको और ऑप्शन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा जैसे आपको ऑप्शन दे दिया टेराबाइट दे दिया, फिर ऑप्शन ई आपको दे दिया जैसे पेटाबाइट दे दिया, इस तरह से आपको दे दिए जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तो याद करिएगा, देखो मैंने सीक्वेंस पूरा बताया था। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, बिट के बाद निब्बल, निब्बल के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट और टेराबाइट के बाद सबसे बड़ी यूनिट होती है पेटाबाइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेटाबाइट, इस तरह से करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये यहाँ पे कट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पे टेराबाइट लिखा हुआ था, तो ये यहाँ पे मैंने लेकर बता दिया है यहाँ पे सारी चीजें। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए एक किलोबाइट किससे मिलकर बना होता है, तो मैंने याद कराया था आपको क्या याद रखना है, 1024 फिक्स याद रखना है, इसके साथ यूनिट क्या लगेगी ध्यान दीजिए, पूरी चीज इमेज माइंड में लाइए कि किलोबाइट से छोटी यूनिट क्या बताई थी, बाइट। तो यहाँ पे बाइट आ जाएगा। एक मेगाबाइट पूछा जाए तो आपको आंसर करना है मेगाबाइट से छोटी यूनिट क्या है, किलोबाइट। तो यहाँ पे हमको लगाना है किलोबाइट और ये 1024 तो फिक्स है, तो इस तरह का पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से लगभग 1 बिलियन बाइट किसमें होती है, 1 बिलियन बाइट का पूछा है कि 1 बिलियन बाइट ये किसमें होती है। तो 1 बिलियन बाइट की बात करते हैं तो ये होती है गीगाबाइट में। तो आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली है इसमें हमें बताना है कौन कौन से अंक होते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली की बात करें तो इसमें 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, 1 मेगाबाइट है ये किसके बराबर होता है। तो देखो मैंने अभी बताया था 1 मेगाबाइट का पूछा है, तो 1 मेगाबाइट की बात करें तो ये देखो, अब मेगाबाइट है, इसे छोटी यूनिट क्या बताई थी मैंने, किलोबाइट बताई थी, किलोबाइट बताई थी ना, और नंबर फिक्स बताया 1024 किलोबाइट। तो यहाँ पे देखो अब 1024 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर ऐसा केस ना दिखाई दे रहा तो आपको ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ये मिलियन बिट्स वगैरह बिट्स में पूछ लिया जाए, वो चीजें हम बाइट में देख रहे थे। तो यहाँ पे पूछा है 1 मेगाबाइट किसके बराबर है, और ऑप्शंस में यहाँ पे बिट्स दे रखी है हमें। तो जो 1 मेगाबाइट की बात करते हैं तो जो 1 मेगाबाइट है, देखिए क्वेश्चन कहाँ, हाँ ये रहा, थोड़ा सा स्किप हो गया क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट है ये होती है 10 बिलियन के बराबर होती है, 10 मिलियन बाइट्स है 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट है ये होती है 10 मिलियन बाइट्स है इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ग्रुप हमें दिए हुए हैं और ये जो ग्रुप है 8 बिट के ग्रुप्स है, कितने बिट के, 8 ग्रुप के। तो यहाँ पे हमें देखो, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करके ये 8-8 बिट के ग्रुप दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि जो ये 8 बिट के जो ग्रुप है ये क्या कहलाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, देखो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और फिर होती है इससे बड़ी यूनिट होती है निब्बल, जो कि 4 बिट से मिलकर बनी होती है। निब्बल से बड़ी यूनिट होती है बाइट, बाइट की बात करते हैं तो 8 बिट के से ग्रुप से मिलकर बनी होती है, यानी 8 बिट से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे 8 बिट का ही पूछा है, 8 बिट का जो समूह होता है इसे क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइट, अभी मैंने बता दिया है ये, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
और यहाँ पे देखिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप, क्योंकि रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने देखा था, अभी क्वेश्चन में हमसे 8 बिट का समूह पूछा था, जो कि हमारा आंसर हुआ बाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ASCII की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है, तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है सामने, क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो 1 किलोबाइट है ये किसके तुल्य होती है, किसके समान होती है, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या बताना है, किलोबाइट का पूछा है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, मैंने किलोबाइट से छोटी यूनिट कौन सी बताई थी, बाइट, और नंबर क्या फिक्स बताया था, 1024। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है, क्योंकि किलोबाइट है इससे छोटी यूनिट होती है बाइट, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बाइट और 1024 फिक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कंप्यूटर है, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है किसी भी वर्ड की, उसको हम किसके द्वारा मेजर करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, तो ऑब्वियस की बात है जब सबसे छोटी यूनिट बिट होती है तो बिट के द्वारा ही कंप्यूटर के जो वर्ड्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर का कोई भी शब्द होता है इसकी लंबाई मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1000 जो कि 4 बिट से, अब देखो यहाँ पे 4 बिट का पूछ लिया है, 4 बिट से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 बिट से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है। तो यहाँ देखो मैंने बताया था सबसे छोटी यूनिट बिट, उसके बाद उससे बड़ी निब्बल, निब्बल है ये 4 बिट से मिलकर बना होता है, और फिर बाइट का मैंने बताया था 8 बिट से मिलकर बना होता है बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 बिट का पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा निब्बल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे एपडिक की फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए डबल ई प्रोम की फुल फॉर्म पूछी है, अब यहाँ पे देखो एक इस वर्ड से हम कई सारी फुल फॉर्म यहाँ पे याद करने वाले हैं, डबल ई प्रोम की आपको याद हो गई तो कई सारी फुल फॉर्म यहाँ पे याद हो जाएंगी। तो डबल ई प्रोम की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे डबल ई प्रोम करके ना पूछा जाए और सिर्फ रोम की फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा रीड ओनली मेमोरी, और अगर प्रोम की पूछा जाए तो प्रोम के लिए बस इतना सा याद रखना पड़ेगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और अगर सिंगल ई दे दिया जाए ई प्रोम का पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा इरेजेबल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई प्रोम का पूछा जाए तो ये पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी इस तरह से करके। अगला यहाँ पे शून्य का अर्थ बताना है क्या होता है, तो मैंने बताया था शून्य का अर्थ क्या होता है ऑफ, तो यहाँ पे आंसर हमें करना होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है शून्य का अर्थ होता है ऑफ और वन का अर्थ होता है ऑन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट की बात हो रही है, तो देखो 1024 गीगाबाइट का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो गीगाबाइट है, गीगाबाइट की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था जो 1024 है इसके बाद यहाँ जो यूनिट आती है वो यूनिट आती है जो यूनिट हमसे पूछी जा रही है उससे छोटी वाली यूनिट, तो इसका मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा गीगाबाइट से बड़ी यूनिट कौन सी है, गीगाबाइट से बड़ी यूनिट है टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट है ये किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट के बराबर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ चीजें ले रखी हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 8 बिट से मिलकर क्या बना होता है तो 1 बाइट, और 1024 बाइट है इससे मिलकर बना होता है 1 किलोबाइट, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई दी थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 0 से लेकर 7 तक के जो अंक होते हैं इनको हम किस तरह से प्रयुक्त करते हैं ये बताना है, तो 0 से लेकर 7 तक के जो अंक होते हैं ये होते हैं बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बाइनरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक के जो नंबर है बाइनरी नंबर वो यहाँ पे लिए हुए हैं, तो आपको इनको निकालना भी आना चाहिए। देखो 0 को क्या लिखते हैं 0, अब यहाँ 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 को हम इस तरह से लिख देंगे। फिर 2 की बात करें
तो इसमें एक और ऐड करेंगे तो 1 1 यहाँ पे 0 और कैरी इधर चली जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हमने देख लिया कहाँ तक, यहाँ तक देख लिया, अब यहाँ तक देख लिया, इसमें एक और हम ऐड कर देंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो इस तरह से ये 3 का निकाल दिया। इसी तरह से इसमें एक और ऐड हम करेंगे तो देखो 3 का हमारा क्या निकला, 1 1 1 1 निकला, इसमें एक और ऐड किया 1 1 0, अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 1 और 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे चला जाएगा 1, तो यहाँ पे 1, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे 4 का। अब 5 का निकालना है तो इसमें वही करना है, बस कुछ नहीं एक एक ऐड करते चलना है, एक ऐड करना है 1 फिर 0 फिर 1, तो ये आ गया। अब 5 का आ गया, अब 5 के बाद देखो 5 का कितना है 101, अब इसमें एक और ऐड कर देंगे तो 1 1 क्या हो गया 0, यहाँ पे लग गए 1, अब 1 यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे हो गया 1, तो कितना हो गया 110, जो कि 6 का। इसी तरह 7 का हम निकाले तो यहाँ पे 1 तो ऐड हमने किया तो 111 इस तरह से करके निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है, तो देखो यहाँ पे अब एक चीज मैं बताती हूँ, यह है कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो भी डाटा जाएगा वो हमारा कहलाएगा इनपुट, इनपुट के बाद क्या होती है प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद में फाइनल हमें क्या निकल के आता है आउटपुट निकल के आता है, आउटपुट रिजल्ट निकल के आता है, तो ये सीक्वेंस रहता है। तो कंप्यूटर में जाने वाला जो डाटा होता है वो कहलाता है इनपुट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए इनपुट की डेफिनेशन ली हुई है, आउटपुट की डेफिनेशन ली हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बता दिया जो भी डाटा जो भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर करती है वो होती है इनपुट, और उसके बाद उस पर होती है प्रोसेसिंग, और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है आउटपुट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर यूनिट नहीं है, कंप्यूटर यूनिट कौन सी नहीं है, तो यहाँ एक ही को चेक करना पड़ेगा, जीबी दिया हुआ है जिसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, और यहाँ पे सीबी दिया, सीबी कुछ ही नहीं होता है ये, क्योंकि देखो ये यहाँ पे टेक्निकल में यहाँ पे कॉमन बेस इसको बोलते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा सीबी, और बाकी ये सभी क्या है कंप्यूटर की यूनिट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें बताई थी तो आप इनमें से देख सकते हो कहीं भी सीबी नहीं है, तो हमने हमारा आंसर हम दे चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाइनरी प्रणाली है इसके अंकों को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा है, तो बाइनरी प्रणाली जो होता है इसके जो अंक होते हैं इनको हम कहते हैं बिट कहते हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिट। नेक्स्ट यहाँ हेक्साडेसिमल का बेस पूछा है, तो देखो हेक्साडेसिमल के बेस की बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, हेक्साडेसिमल का पूछा है तो यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, अगर हमसे बाइनरी का पूछा बाइनरी का बेस कितना होता है तो 2 होता है, अगर ऑक्टल का बेस पूछा हो तो 8 होता है, और अगर डेसिमल का बेस पूछा हो तो 10 होता है, और ऑक्टल में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल का बेस पूछा है जो कि होता है 16, तो ऑप्शन बी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे एक एक को चेक करना पड़ेगा, कैमरा की बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर की बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर की बात करते हैं तो ये आउटपुट डिवाइस है, और डिजिटाइजर की बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए आप यहाँ कुछ इनपुट डिवाइस मैंने ले रखे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पे आता है, कुछ भी आपको दे देंगे ऑप्शन में और कह देंगे कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, या फिर कुछ भी दे देंगे कह देंगे इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, इस तरह से, तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद होना बहुत जरूरी है। और एक चीज देखो कॉमन देखो यहाँ पे भी वेबकैम है और आउटपुट डिवाइस में भी वेबकैम है, तो अगर वेबकैम के बारे में पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है वेबकैम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डेस्कटॉप पब्लिकिंग में सर्वाधिक प्रचलित कंप्यूटर है ये कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा प्रचलित कंप्यूटर की बात करें तो ये कौन सा होता है लेजर, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेजर प्रिंटेड है इसके बारे में थोड़ी चीजें ले रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखो लेजर प्रिंटर की बात करें तो ये एक मतलब कि आम प्रकार का प्रिंटर है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है ना बहुत फास्ट इसकी स्पीड होती है, और इसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि जो सादा कागज होता है ना सादा कागज उस पर भी ये अच्छी क्वालिटी के अक्षर और मतलब कि चित्र को ये प्रिंट करता है।
अब यहाँ पे जो डिजिटल फोटोकॉपियर होते हैं वो लेजर, डिजिटल फोटोकॉपियर की तरह ही जो लेजर प्रिंटर होता है ना, इसमें भी क्या यूज किया जाता है, जेरोग्राफिक प्रिंटिंग यूज की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिजिटल फोटोकॉपियर है ये किस प्रक्रिया का यूज करते हैं, तो आपको आंसर करना होगा जेरोग्राफिक प्रिंटिंग का। और इसी तरह से लेजर है ये भी इसी का यूज करती है। लेकिन जो एनालॉग प्रिंटर होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। देखो एनालॉग प्रिंटर से ये जो है लेजर प्रिंटर ये थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि एनालॉग प्रिंटर में लेजर किरणों का यूज नहीं होता, लेकिन इसमें लेजर किरणों का यूज होता है, बस इस तरह से। अब यहाँ आप देखिए इस तरह के होते हैं लेजर प्रिंटर्स, तो ये भी चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो कि रीड और राइट दोनों करने में सक्षम होती है। तो रीड और राइट की बात करें तो रीड और राइट क्रियाएं करने में सक्षम होती है रैम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रैम, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम असेस मेमोरी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ जानते हैं थोड़ा रैम के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये है, कई बार पूछा जाता है रैम है किस तरह की यूनिट है, किस तरह की मेमोरी है। तो रैम एक अस्थाई मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डाटा होता है ना, उसके लिए हमें पावर की बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरत होती है पावर की। क्योंकि जैसे ही पावर कट होती है इसमें मौजूद जो डाटा होता है वो उड़ जाता है, तो बिजली की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत होती है। और जो इसके दो टाइप होते हैं SRAM और DRAM, तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ROM की बात करें तो ROM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे जो ROM है इसका कई बार पूछा जाता है किस तरह की मेमोरी है ये, तो ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, अस्थाई नहीं स्थाई, क्योंकि अस्थाई तो है RAM, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, RAM की जस्ट उल्टी होती है ROM, यानी कि इसके अंदर जो डाटा होता है उसको, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई पावर कट हो गई तो डाटा उड़ जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होता। पावर कट भी हो जाती है तो भी इसमें जो डाटा है वो सेव रहता है, इस तरह से। अब यहाँ वेबकैम का पूछा है, जिसका मैंने बताया था वेबकैम में इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की डिवाइस है, तो यहाँ पे इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी है, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए VGA की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए VGA है ये किस तरह का क्या होता है। तो देखो VGA की बात करें तो जैसे VGA की केबल भी होती है, एक कनेक्टर भी होता है। तो जो VGA कनेक्टर होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, इसमें तीन रो होती है, 15 पिन होती हैं। तो यहाँ पे देखो हर रो में 5-5 पिन है, तो इस तरह से करके टोटल इसमें 15 पिन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो गणनाएं और तुलना करने में उपयोग आता है। तो ये आता है ALU, और ALU की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जाती है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए है, अब जो सेट 3 आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके और क्वेश्चन नंबर 75 तक हम कवर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को यहाँ पे जो सीरीज चल रही है इनका पता चल पाए और सब लोग लाभ उठा पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।